राष्ट्रगाथा चैनल पर 190 वर्ष का कालखंड फिरंगियों के आने से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने तक का, उस कालखंड में अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे क्रांति वीर वीरांगनाओं का मैं चरित्र आपके सामने ला रहा हूं जो इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं मिला। 4-5-6 वीडियोस के बाद एक दिन मैं गीत के द्वारा उन सब हुतात्माओं को गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ, स्मरण करता हूँ। और जिस दिन मैं गीत देता हूँ देशभक्ति का, उस दिन मैं किसी एक पर्टिकुलर विशेष क्रांतिकारी का चरित्र आपके साथ डिस्कस नहीं करता, आपके सामने नहीं लाता, लेकिन जनरल उन सब के बारे में बातचीत होगी। अभी एक गीत के माध्यम से अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए। अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, नवयुग धरती पर लाए। आज पुनः दानव बल दंगा धीरज को ललकार रहा, और उधर सीमा पर तक्षक फन फैला फुंकार रहा। असह दुराग्रह दुर्योधन का कुरुक्षेत्र व्रत अपनाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए। अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, नवयुग धरती पर लाए। सभी दिशाओं में सद्गुण की विमल ज्योति फैलानी है, ग्राम नगर वन पर्वत ऊपर अरुण ध्वजा फहरानी है। सागर लहरों पर विवेक सा भारत का जश लहराए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए। अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, नवयुग धरती पर लाए। केशव की किरणों ने अब तक लाखों सुमन खिलाए हैं, माधव के वासंतिक झोंके कली खिलाते आए हैं। मधुकर की इस फुलवारी में अनुपम वैभव विकसाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, नवयुग धरती पर लाए। अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, नवयुग धरती पर लाए। अब तक अगणित बाधाओं में हमने मार्ग बनाया है,
कालकूट का पान किया है, सेवा अमृत छलकाया है, भरत भूमि के पग पग पर फिर नूतन गंगा उंगाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, नवयुग धरती पर लाए। अरुण उदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाए, अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, नवयुग धरती पर लाए। किसी भी समय ये जो कालखंड में दे रहा हूं, ये तो संघर्ष का कालखंड था, और पिछले 1200 साल से विदेशियों के, विधर्मियों के आक्रमण, लुटेरों का यहाँ आना, आतंक भय खौफ का वातावरण बनाना, कत्लेआम करना, लूटना, गांव के गांव जलाना, क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा हमले अगर हुए, आक्रमण कहीं हुए, सबसे ज्यादा विदेशियों, विधर्मियों ने आकर के यहां पर जो नंगा नाच किया वो भारत था। भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था। कहीं तो भी कुछ कमियां समाज में आ जाती हैं, जो समाज हर तरह से ठीक होता है, वो कहीं ना कहीं विलास में, कहीं लापरवाही में, कहीं वीरता में, कहीं कुछ बातों में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती होगी भाई, हो गई होगी। बहादुरी की जगह कहीं कहीं हम व्यक्तिगत जीवन में इतना मस्त हो गए, नैतिकता की बातें करते करते हम इतने नैतिक हो गए, हम पक्ष निष्पक्ष का ज्ञान न होते हुए विदेशी को, विधर्मी को, दुश्मन को, अपने को, पराये को पहचानना कैसे है, शायद ये ज्ञान नहीं रहा। ये सब हुआ होगा, परंतु हर समय संघर्ष हुआ है। हमने तो उन लोगों को अपनी आंखों के सामने रखना है ना, जिन्होंने बलिदान किया, संघर्ष किया, उस समय की चुनौतियों को स्वीकार किया, मुकाबला किया, गर्दन नहीं रखी, सरेंडर नहीं किया, समर्पण नहीं किया, केवल अपने लिए नहीं जिए। ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात वीर वीरांगनाएं जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर रही थीं, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से आज लगभग 677 वीडियोस आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंची होंगी। 5-6 वीडियोस के बाद, 4-5-6-7 वीडियोस के बाद, कभी भी जब मुझे सुविधा होती है तो एक देशभक्ति का गीत श्रद्धांजलि के रूप में, श्रद्धा सुमन के रूप में मैं आपके बीच में लाता हूँ। ये देशभक्ति का गीत भी लगभग 100 से ऊपर हो गए होंगे। ऐसी ही 140 महिलाएं, बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, और 140 के ऊपर मैंने कहा कि केवल महिला क्रांतिकारियों को भी आपके सामने ला चुका हूं। ये 670 तक नहीं रुकने वाला मामला, ये और आगे बढ़ेगा। अभी इसी कालखंड में कम से कम 200 क्रांति वीर वीरांगने में आपके सामने और लाने जा रहा हूं, और फिर उसके बाद सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का कालखंड सारा लूंगा और सभी को आपके सामने लाऊंगा। किनको? जो अज्ञात है, जो इतिहास का हिस्सा नहीं बन सके किसी भी कारण से, लेकिन हम उनको स्मरण करेंगे, उनको प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में, आदर्श के रूप में हम सामने लाएंगे, उनसे प्राप्त करेंगे हम वो ऊर्जा, वो प्रेरणा जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर जिया और आखिर में देश के लिए काम आ गए। ऐसे देश और समाज के लिए काम आने वाले वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का एक सिलसिला चला हुआ है। आज इस गीत के माध्यम से बहुत सारी बातें आ गई होंगी। संकल्प, जब भी क्रांतिकारी निकलते होंगे तो क्या करते होंगे, कर्म क्षेत्र में जुट जाए,
अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाए, इतने जोश के बिना काम नहीं चलेगा भाई। क्या करने चले हो? हम ये करने चले हैं, सभी दिशाओं में सद्गुण की विमल ज्योति फैलानी है। ऐसा हमारे संत महात्मा भी करते रहे, लेकिन कहीं तो भी गड़बड़ हुई है ना। कहीं भी सनातन को समझने में, बचाने में वो संत महात्मा, वो बड़े बड़े कथावाचक, वो बड़े बड़े पुजारी, वो बड़े बड़े मंदिर, वो बड़े बड़े आश्रम भी अपना दायित्व निभाने में चूक गए हैं। इस चूक रहे थे, चूक गए हैं अभी भी, लेकिन उस बीच में भी भारत माँ की गोद में ये सब जो 670 वीडियोस मैंने आप तक पहुंचाई हैं, और अभी लगभग 1200 साल का मैं आपके सामने कम से कम 5-6 हजार ऐसे क्रांति वीर वीरांगनाओं को, देशभक्तों को आपके सामने लाने जा रहा हूं, जिनको कोई नहीं जानता। वो लोग भी अपने समय में क्या उनका जीवन उनके लिए पर्याप्त या वो नहीं था कि वो ना जिए, उनके मन में नहीं आता था। किसके मन में नहीं आता भाई? पशु पक्षी भी जीना चाहते हैं, ये पेड़ पौधे भी, अब तो उनके ऊपर भी बात आ गई कि इनके अंदर भी आत्मा है, ये भी जीना चाहते हैं। इसको भी एक आध पौधे को कभी कोई किसी ने काटना होता तो कितने मंत्र जाप होता था, कितनी क्षमा मांगी जाती थी। हाँ, जो सूख गया है जंगल के अंदर बन में, ऐसा पौधा जिसके अंदर केवल ढांचा खड़ा है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं बची, ऐसे पौधे को ही काटने की आज्ञा थी। मतलब इतना हमारा दर्शन सूक्ष्म, चींटी मकौड़ी को खिला के खाने की बात करने वाला। सेवा से बड़ी भक्ति नहीं, परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं, ऐसा दर्शन रख के चलने वाला, सारी दुनिया का कल्याण सोचने वाला, कहीं तो चूक गया। और फिर जब लोग निकलते थे कि नहीं हम बचाएंगे देश को, ऐसे ही 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरंभ करने वाले श्री केशव बलिराव हेडगेवार, केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से उनको ज्यादा जाना जाता है, केशव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी कोशिश की और लाखों सुमन खिलाए। और माधव, जिनको गुरुजी कहा जाता है, माधव राव सदाशिवराव गोलवालकर, उनके इतने बसंतिक झोंके से कितने और फूल खिले होंगे। इन 1925 से खेल रहे हैं और आज जो देखते हैं देश की अलग अलग मोर्चों पर, आदिवासी क्षेत्र में, स्कूलों के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, विदेशी विचार कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये केशव और माधव की ही तो तपस्या है। उसके बाद वो तपस्या की लड़ी और कड़ी को आगे बढ़ाने वाले और भी, इन सब की, भारत की इस मधुबन की फुलवारी में ये जितने अनुपम वैभव विकसाए हैं केरन और माधव ने, ऐसे कितने लोग पहले। अरे अभी सावरकर का ले लो ना, अभी श्याम जी कृष्ण वर्मा का ले लो ना, बाहर बैठ करके भारत से जाने वाले नौजवानों को किस तरीके से वो तैयार कर रहे थे। सबने अपने अपने समय में काम किया और फिर अब तक अगणित बाधाओं में हमने मार्ग बनाया है, कालकूट का पान किया है, सेवा मृत छलकाया है, भरत भूमि के पग पग पर फिर नूतन गंगा उमगाए। क्या है ये गंगा? निर्मलता की निशानी है, पवित्रता की निशानी है। गंगा जल के बारे में मुझे और कुछ नहीं बोलना, भारत भूमि के पग 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 पर उनकी गंगा जल की उसी तरह से पूजा होती है, उसी ढंग से उसकी मान्यता है। तो अपने देश की संस्कृति को, सभ्यता को और हमारे देश के दर्शन को, जिसके कारण से हम विश्वगुरु थे, ये सब आहिस्ता आहिस्ता क्यों चला गया, उन कमियों को देखना पड़ेगा। और वो कमियां हैं, अभी भी हैं। इस देश का पुत्र रूप समाज अर्थात हिंदू समाज, कहीं तो भी वो भूल गया साम धाम दंड भेद, भूल गया वो शास्त्रों में सारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र जो हैं वो शायद रखना भूल गया,
वो वीरता जिसकी वीरता जिसका शौर्य दुनिया के अंदर लोग उदाहरण देते थे वो अपनाने में भूल गया। बीच में कुछ भी महात्मा बुद्ध आए होंगे और भी कई कारण रहे होंगे, कारण कई रहे होंगे, लेकिन हमारे विशालता का, सहृदयता का और सबको अपनाने का, उस सबको अपनाते हुए ये भूल गए। और या आ भी गए थे, अपना भी लिया था, तो हमें पता लगना चाहिए था कि ये लोग कभी भी मेरी भारत माँ के साथ मिलके नहीं रहेंगे, हम भारत माँ को जिस रूप में देखते हैं ये नहीं देखेंगे। तो अपने पराए की पहचान होनी चाहिए थी, उनको थोड़ी देर के बाद पहचान करके उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए था। हम सहते चले गए। हाँ, उसी सारे के बीच में जिन वीर वीरांगनाओं ने 190 वर्ष के कालखंड में जो शौर्य और वीरता के कमाल के कारनामे किए, जिनके कारण से विदेशी भागे, जिनके कारण से भारत माँ स्वतंत्र हुई, जिसके कारण से भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटते काटते खुद कट गए, ऐसे सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से स्मरण किया जा रहा है। और मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।